कोई मामूली अंडा, क्योंकि इससे नेल्स बनने वाले हैं। मेरे नेल्स बन चुके हैं। Can you see? बन गया। ऐसे भी मत देखो यार, मुझे पता है कि आप भी घर में ऐसे करके ही टूथपेस्ट निकालते हो। निकालते हो ना? डिस्टर्ब कर रहा है ना, मतलब मैं इसका खून करके जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। ऊपर से उड़ गया, मेरे को ही दर्द हो गया। हेलो नील हार्ट्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड हाँ, वीडियो में कुछ तो अलग दिख ही रहा होगा आपको, क्योंकि मैं बहुत टाइम से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दिख रहा है क्या? मेरे नेल्स, ओह माय गॉड, ये एकदम छोटा छोटा विदाउट नेल पॉलिश वाला नेल रखा है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ब्यूटी हैक्स के साथ साथ नेल हैक्स भी दिखाऊंगी आपको। एंड अगर आपको नेल हैक्स आगे भी और देखना है, देन जरूर इस वीडियो के मैसेजेस आता है, सब कुछ एक ही साथ होता है, ऊपर से मेरे से बोला तो जाता ही नहीं है। सोचो मतलब वीडियो बनाने आती क्यों हूँ मैं यार, आती क्यों? तो या अगर आगे भी आपको नेल हैक्स देखना है, देन जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए हम देख लेते हैं आज के सारे हैक। देख रही थी, मुझे सीटी बजाना बिल्कुल नहीं आता यार, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मुझे सीटी बजाना आता ही नहीं है, मतलब आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे सीटी बजाते हैं। सॉरी। लेके तो सबसे पहले मैं ना सेम तरीके से थोड़ा सा मेजर कर लूंगी। हाँ, कर लिया है मैंने मेजर। एंड मेजर करने के बाद हम कट कर लेंगे इसको। कट कर लिया है। एंड नाउ मैं अभी इसको शेप करके अच्छे से कट करने वाली हूँ, बिल्कुल नेल्स का जो शेप होता है ना नीचे का, ऐसे यू वाला, तो मैं ऐसे ही इसको नीचे से यू शेप में कट करने वाली हूँ। ऊपर का भी जैसा आप शेप चाहते हो, जितना लंबा रखना चाहते हो, उस हिसाब से इसको भी हम कट कर लेंगे ऊपर से। देख सकते हो क्या? तो ये बन गया हमारा स्टेंसिल। तो मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेपर नेल्स बना लिए हैं एंड अभी हमें इसको नेल्स के ऊपर चिपकाना है। एंड इसको चिपकाने के लिए आपको कोई नेल ग्लू की जरूरत नहीं है, बस फेविकॉल चाहिए और कुछ भी नहीं। तो चलिए लगाते हैं। एंड नाउ मैं चिपका दूंगी एक एक करके सारे नेल्स को। सो ये रहा मेरे नेल का फाइनल लुक। ठीक है, मैं ना सारे नेल्स लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आई थिंक सारे लगाऊंगी तो मजे ही आ जाएंगे, है ना? तो सारे बना लो ऐसे। मेरे नेल्स बन चुके हैं। कैन यू सी? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ भी बनेगा, बट बन गया। रेड नेल पेंट। तो गाइस मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है दूर से, एंड मतलब समझ में आ रहा है कि फेक है, मतलब ये रियल तो नहीं है। तो फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? काफी है एंड काफी स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब ऐसे निकल नहीं रहा है, देखो।
तो यार मैं इसको 10 में से 8 देना चाहूंगी क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा। आप मुझे बोलो कि आप इसको 10 में से कितना देना चाहोगे। देखो दोनों हाथ बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस, बट थोड़ा फेक तो लगेगा क्योंकि फ्री का चीज उतना अच्छा भी नहीं हो सकता। तो इट्स अ थम्स अप फॉर मी, आई लाइक इट। मुझे पता है कि आप भी घर में ऐसे करके ही टूथपेस्ट निकालते हो ना। हम है ही ऐसे, यही तो इंडियंस की खासियत है। तो अभी मैंने ले लिया है टूथपेस्ट। माँ आस्ते कथा बोलो। एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बस बेकिंग पाउडर डालने वाली हूँ, बेकिंग सोडा सॉरी। तो लेट्स डू इट। पता नहीं कितने टाइम के लिए करना है क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं। काफी ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो रहा है। ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई पाउडर का ऐड होता था ऐसा ठंडा ठंडा कूल कूल, किस किस को याद है यार। हो गया है 1 मिनट, इससे ज्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि काफी ज्यादा जलन हो रहा है। तो मैं इसको रिमूव करती हूँ एंड देन आपको आके मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। सो गाइज मैंने वॉश कर लिया है, ये जो जगह है ना काफी स्मूथ फील हो रहा है। जो ठंडा ठंडा टिंगलिंग वाला सेंसेशन था वो अभी भी थोड़ा थोड़ा है, बट आई थिंक ये काम करेगा। सेवन दे देते हैं, नहीं 6 दूंगी, 6 on 10, क्योंकि पिंपल जो है वो एक बार में तो गायब नहीं हो गया बट आई थिंक कि धीरे धीरे चला जाएगा। तो इसको मैं 6 on 10 देना चाहूंगी। यार 5 minutes क्राफ्ट वालों को ना मतलब अंडे से बहुत ही ज्यादा प्यार है, मुझे तो यही लगता है क्योंकि हर एक हैक में एक ना एक अंडे वाला हैक तो रहता ही है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ सबसे पहले। एंड इसको हम करने वाले हैं बहुत अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। एंड ना इसको करते हुए मुझे डलगोना कॉफी का बड़ा ही याद आ रहा है गाइस। तो अभी मैं इसको फुल फेस पे अप्लाई करूंगी। कहां से पर ये जो पूरा फोम मैंने बनाया है ना ये फेस पे लगाने के बाद गायब हो जा रहा है। एंड अभी मुझे ये बदबूदार फेस मास्क लगा के वेट करना पड़ेगा। मिनिमम तो 5 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा, बट मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट वेट कर लेती हूँ क्योंकि अच्छे से फिर इसका रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। तो लेट्स वेट। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से, तो दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ। तो काफी अच्छा रिजल्ट है, ठीक ठाक रिजल्ट है, बट अगर आपका ड्राई स्किन है प्लीज इसको ट्राई मत करिएगा। एंड अगर करते भी हो तो योक जो येलो पार्ट होता है ना उसके साथ ट्राई करिएगा क्योंकि एग व्हाइट ना स्किन को थोड़ा सा ड्राई बना देता है। 6 out of 10। मतलब मैं ना ये कितने दिनों से यूज कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस पैक। तो थोड़ा सा मैंने ले लिया है दही एंड इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड अच्छे से इसको मिक्स 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 कर लूंगी। सीरियसली बोल रही हूँ गाइज, अगर आपने कभी भी इसको यूज नहीं किया है ना ये वाला फेस पैक, जरूर यूज करो यार, आज ही यूज करो। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा।
स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है एंड सन टैन को हटा देता है, स्किन को ग्लोई बनाता है. व्हाट नॉट, मतलब बेस्ट है. मतलब आई लव दिस फेस पैक. मैं बचपन से यूज करती आ रही हूँ, तो आप भी यूज करो, ठीक है? बहुत अच्छा है सच्ची में. फेस को वॉश कर लिया है एंड आई थिंक आप देख के नहीं समझ पाओगे, बट मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड मॉइस्चराइज फील कर रहा है. मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये वाला फेस मास्क, एंड आई नो कि ये टैनिंग को रिमूव करता है. सो जरूर इसको ट्राई करना. मैं तो इसको 10/10 देने वाली हूँ बिकॉज आई लव दिस फेस मास्क. बनने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने एक बॉइल्ड एग ले लिया है, क्योंकि जो नॉर्मल वाले एग होते हैं उसका शेल निकालना इतना आसान नहीं होता है, एंड इसका शेल को मैं निकाल लूंगी इस बोल में. आई डोंट नो गाइस, बट मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि नेल्स पे एग का शेल मतलब गंदा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा. Oh, no. एक तो ये इतना गंदा स्मेल करता है, ठीक है? तो सोचो अगर आपके नेल्स से, आपके हाथों से इतना गंदा वाला स्मेल आए. बट फिर भी सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है? तो नाउ मैंने ले लिया है एक छोटा सा कागज का टुकड़ा एंड इसको मैं ना कट कर लूंगी मेजर करके, एंड नाउ मैं नेल ग्लू की मदद से इस टुकड़े को नेल्स के ऊपर चिपका लूंगी. चिपक गया है एंड इसके ऊपर हमें फिर से लगाना है नेल ग्लू. एंड नाउ आ रहा है भयानक वाला पार्ट कि हमें इस कागज को डिप करना है ये एग शेल का पाउडर में. ये जो स्टेप है ना, ये हमें करते रहना है जब तक ना आपको अपना डिजायर्ड वो थिकनेस मिल जाए. गाइस मैं इसको बफ करके ना थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इस चक्कर में तो आधे से ज्यादा मेरे शेल गिर ही गया. मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. फिर भी आप देख लो, शायद आप मुझसे अच्छा कर सकोगे. शायद आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट रियल लाइफ में ना ये स्ट्रॉन्ग तो है काफी ज्यादा, मतलब बिल्कुल एक्सटेंशन जैसा ही स्ट्रॉन्ग है, बट स्मूथ नहीं है. नहीं, रिमूव हो गया फाइनली. तो काफी यार उतना कुत्ते भी भौंकते जब मैं वीडियो बनाती हूँ. क्यों, मतलब क्यों? तो यहाँ जो बोल रही थी, तो मुझे उतना बिल्कुल बकवास हैक था, इससे यार पेपर वाला ही ट्राई कर लो, वो ज्यादा अच्छा है. तो यहाँ बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, तो मैं इसको जीरो देना चाहूंगी. साथ ही में इसका जो स्मेल है ना, आप सोचो आपके नेल से अगर अंडे का बदबू आए, अच्छा लगेगा आपको? आप जिसके भी सामने जाओगे वो तो दूर भाग जाएगा यार आपसे. मतलब मत करो, ये तो करो ही मत, ट्राई भी मत करो, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. नो यार, इतना गंदा वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने किया है. तो यार आप कुछ भी रिक्वेस्ट करो, मैं जरूर कर दूंगी. सो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना
एंड या मुझे बोलो कि नेक्स्ट और भी आप नेल हैक्स, नेल आर्ट हैक्स देखना चाहते हो या फिर कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर उसी वीडियो को लेके हाजिर हो जाऊंगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल फ्री है, कर ही दो। एंड हाँ, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड आई लव यू। बदबू आया यार अंडे का।